हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम दोबारा खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो हम दोबारा से आ चुके हैं अपने सर्वाइवर वर्ल्ड में। जैसा कि आप देख सकते हो अपने कासल वाले वर्ल्ड में, अपनी कासल में हूँ मैं भी, और मैं अपने कासल में पूरी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने दो रूम्स भी बनाए थे बहुत बड़े बड़े, तो मैं अपने कासल को अभी डेकोरेट जितना भी कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी देख ही सकते हो जैसा कि मैंने इस कासल के हॉल में पूरे में लैंटर्न लगा दिए हैं, जो कि मैंने मेरे पास सामान था तो मैंने बना ली। बहुत सारी टॉर्चेस लग गई इनमें, कुछ मेरे पास लैंटर्न पड़ी भी हैं। यहाँ पर मैं पिछले वाले एपिसोड तक यहाँ पर घटिया सा आयरन का आर्मर पहनता था, बट मैंने अपने लिए और दो मतलब एक नेदरराइट का आर्मर रखा हुआ है मेरे पास, और एक मैं पहना हुआ हूँ। एक सेफ्टी के लिए मैंने रखा हुआ है कि अगर ये वाला खो जाए तो वो वाला रख लूँगा। तो आज का मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं दो विलेजर्स को पकड़ के लाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले सो जाते हैं बिकॉज़ रात हो गई है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो कि इस चेस्ट में मेरा सामान जितना भी लगेगा वो कलेक्ट कर रहा हूँ, तो जल्दी आपको पता चलने वाला है। तो तब तक इस वाली वीडियो का काम स्टार्ट करते हैं। इस वाली वीडियो को मैंने सोचा है, मेरा प्लान है कि मैं दो विलेजर्स को पकड़ के लाऊँ, जिससे मैं उनकी ब्रीडिंग करा के और विलेजर्स लाऊँ, और मुझे बहुत सारा सामान चाहिए होगा ब्लेजर्स से, इसलिए मैं ब्लेजर्स को पकड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे नेदरराइट टूल्स इंचांट भी कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लेजर्स को कैसे पकड़ूँगा, बिकॉज यहाँ पर ब्लेज है बट यहाँ पर एक भी ब्लेजर है नहीं। बट हाँ, मैंने इससे पहले दो ब्लेजर्स को एक घर में कैप्चर रख दिया था। मैंने सेफ्टी के लिए दो ब्लेजर्स को पकड़ के एक घर में पहले से ही रख दिया था कि अगर ये सारे ब्लेजर्स मर भी जाएँ तो यहाँ पर मुझे विलेजर्स आसानी से मिल जाएं और मैं अपने घर में ला सकूं। यहाँ से मैंने एक ट्री काट लिया है जिससे मैं बोट लेके नहीं आया था, तो मैं यहाँ से एक बोट बनाने वाला हूँ। सबसे पहले उस बोट में विलेजर्स को डालने वाला हूँ और विलेजर्स को यहाँ से खचेड़ के ले जाने वाला हूँ अपने घर तक। अभी मैं ऐसे ही निकाल लूँ, ये वाला घर है वो। तो यहाँ पर जल्दी एंड साइट लगा दी है इसमें मैंने, तो जल्दी से इस यहाँ पर से सबसे पहले एक बोट बना लेते हैं। बस मैंने बोट बना ली है और यहाँ पर एंड साइड को एक ये स्टोन है, इसे जल्दी से तोड़ते हैं और यहाँ पर विलेजर्स को बाहर निकाल लेते हैं। ये सबसे पहले तो ये तोड़ देते हैं पूरा कोबलस्टोन। तो गाइस मैं कोबल स्टोन तोड़ के यहाँ पर तो आ चुका हूँ, बट ये विलेजर आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रेड किया जा रहा है कि ट्रेड कर मेरे से, जल्दी चले जा आगे। यहाँ बोट में ही नहीं बैठ रहा है, पीछे वाले को कैसे बैठाऊँगा। इनमें वाला घपलाबाजी होती है ऐसे विलेजर्स को ले जाने में। ये शॉर्ट देख रहा है, एक पड़ेगी पूरा जल जाएगा। अच्छे अच्छे नहीं बच पाए शॉर्ट से, जल्दी निकल। देख लो निकल गया। ये होता है डर इस शॉर्ट का, नदराज की शॉर्ट, ऐसी वैसी शॉर्ट नहीं है। जल्दी से लेके चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं ब्लेजर्स को, दोनों ब्लेजर्स को यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। और ये क्या कर रहे हैं कोने में, यहाँ पर ये जॉब बदल रहा है क्या? लो बदल ले जॉब। तो गाइस यहाँ पर मैं इन ब्लेजर्स को लेके तो आ गया हूँ, और मैंने इन्हें अपने कासल के साइड वाले रूम में लॉक कर दिया है। यहाँ पर मैंने आयरन डोर्स भी लगा दिए जिससे कि बाहर ना निकल पाएँ, और यहाँ पर मैंने बहुत सारी टॉर्चेस भी लगा दी हैं जिससे कि यहाँ ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। मैंने ब्राइटनेस कम की तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो सबसे पहले तो यहाँ से बाहर आ गए हैं हम, और यहाँ पर मैं इन विलेजर्स को यहाँ पर टेम्प्रेरी रख दिया है। मैं इनके लिए अलग से टाउन हॉल बनाने वाला हूँ जिसमें सारे विलेजर्स रहने वाले हैं, मैं इनको अपने कासल में नहीं रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले जल्दी से अपने घर में चलते हैं, विलेजर्स को लाने का काम तो अपना कम्प्लीट हो चुका है, और सबसे पहले घर में चलते हैं। तो गाइस मैं घर में आ चुका हूँ, और यहाँ पर बहुत दिनों से मैंने अपने डॉग्स को फीड नहीं कराया है, तो यहाँ पर इनको भी खिला देता हूँ थोड़ा बहुत। तो गाइस अपने कासल में मैं साइड वाले रूम में दो ब्लेजर्स को लेके आ चुका हूँ, जिनको मैं ब्रीड कराने वाला हूँ, जिससे मैं बहुत सारे ब्लेजर्स करने वाला हूँ और उनसे बहुत सारा अच्छा अच्छा सामान भी ट्रेड करने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो कि जिसका मैं सामान कलेक्ट कर रहा हूँ। इस सामान से जो मैं बनाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनने वाला है,
तो इस सीरीज़ को ज़रूर से फॉलो करना, और ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।